तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गुड़हल की कटिंग कैसे लगाई जाती है। सबसे पहले आप एक ब्रांच सेलेक्ट कर लें, मैंने पहले से ही कर ली है। अब ब्रांच में जो छोटे छोटे निकले हैं उनको काट दीजिए, पत्तियाँ भी कट कर दीजिए। अब ये ब्रांच हमारी लगाने के लिए तैयार हो गई है। अब हम इसमें ब्लेड के माध्यम से इसके नीचे वाले भाग को तिरछा कट मार देंगे। यह कट इस तरह से होना चाहिए तिरछा, और उसके ऊपर वाली ब्रांच को भी निकाल लेंगे। अब हम ब्लेड के माध्यम से हल्का हल्का इसको बहुत हल्का छील देंगे चारों तरफ। ज़्यादा गहरा नहीं छीलना है, बस हल्का स्क्रैच लग जाए उसमें बस। अब हमारी ब्रांच लगाने के लिए तैयार हो गई। अब हम इसको लगभग इतना ज़मीन में गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद उसको कस के एकदम दबा देना है कि हिले ना हमारी ब्रांच। इसके बाद में हम इसमें पानी डाल देंगे। इसमें पानी रोज़ नहीं डालना, इस समय ठंडी का सीज़न चल रहा है, तो 4-5-6 दिन में एक बार पानी डाल देंगे। तो ये ब्रांच में हमारे नए पत्ते निकलने लगभग 15 दिन बाद शुरू हो जाएंगे इस तरह से। ये हमने 1 महीना पहले लगाई थी। और 2-3 महीने के बाद आपकी ब्रांच इतनी बड़ी हो जाएगी। और फिर इसमें फूल आने भी शुरू हो जाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।